क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टी20 सीरीज के बाद अब बारी भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की है और भारतीय टीम हर हाल में वर्ल्ड कप से पहले की इस आखिरी वनडे सीरीज को जीतना चाहेगी। इसीलिए करीब दो दिन पहले ही वनडे टीम के लिए अंतिम 11 खिलाड़ी फाइनल हो गए हैं। टीम पर पूरी तरह से हिटमैन रोहित शर्मा की छाप है तो विराट कोहली के करीबी टीम से बाहर हो गए हैं, तो आप भी कमेंट करके अपनी राय इस पर जरूर दें। पहले मैच में टीम इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेगी जिसमें ओपनिंग जोड़ी के रूप में शिखर धवन और रोहित शर्मा की वापसी हो रही है, यानी दोनों ही रेगुलर ओपनर यहां नजर आएंगे। तीसरे नंबर पर खुद कप्तान विराट कोहली आएंगे और अब तो कोहली भी फुल फॉर्म में है। चौथे नंबर पर अंबाती रायडू वनडे टीम में खेलेंगे, यानी पहले चार नंबर में राहुल के लिए कोई जगह नहीं है और केएल राहुल को पहला वनडे मैच खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। पांचवा नंबर महेंद्र सिंह धोनी का है और वो तो वर्ल्ड कप तक यहीं पर खेलेंगे। छठे नंबर पर खेलने आएंगे विजय शंकर। जी हां, वनडे मैचों में भी शंकर को बड़ा मौका मिल रहा है। उन्हें पांड्या के बैकअप के तौर पर तैयार किया जा रहा है और पहले वनडे मैच में विजय शंकर का खेलना तय है। सातवें नंबर पर आएंगे केदार जाधव जो वनडे मैचों में वापसी करेंगे, पिछली सीरीज में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था। केदार जाधव और विजय शंकर मिलकर पांचवे गेंदबाज की भूमिका भी निभाएंगे और 10 ओवर का कोटा पूरा करेंगे। अब बल्लेबाजी क्रम में कहीं भी ऋषभ पंत को पहले वनडे में जगह नहीं मिल रही है और पंत को भी फिलहाल राहुल के साथ बाहर ही बैठना होगा। गेंदबाजों की बात करें तो फुल स्ट्रेंथ गेंदबाजी में पेस अटैक का जिम्मा जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी संभालेंगे जो रेस्ट के बाद वापसी कर रहे हैं, तो वहीं स्पिनर्स में युजवेंद्र चहल टीम में बने हुए हैं जबकि कुलदीप यादव भी आराम के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं और कुलदीप और चहल की जोड़ी एक बार फिर कहर बरपाने को तैयार है। तो कुल मिलाकर टीम पूरी तरह से धाकड़ है जो ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि वर्ल्ड कप जीतने के भी काबिल है, तो आप भी इस टीम पर कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।